बच्चों, आज फिर से हम आपका वेलकम कर रहे हैं। आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 13 पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और मैंने आपको वेरी शॉर्ट करवा दिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के। अब शॉर्ट चल रहे हैं। आज का क्वेश्चन है कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है। तो आइए देखें कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है। इट इज इंट्रा स्पेसिफिक कोऑपरेटिव इंटरेक्शन इन विच एक्टिविटी ऑफ वन इंडिविजुअल इन इन्फ्लुएंस बाय बिहेवियर ऑफ अनदर इंडिविजुअल। ठीक है बेटा, ये इस तरह की कोऑपरेशन है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल की जो एक्टिविटी है दूसरे इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है, उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती है। चार तरह के कम्युनिकेशन होती हैं। एक होती है केमिकल कम्युनिकेशन, एक होती है टेक्टाइल कम्युनिकेशन, एक होती है विजुअल कम्युनिकेशन और एक होती है ऑडिटोरी कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर मैं आपको केमिकल कम्युनिकेशंस के बारे में एक छोटी सी आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा फेरोमोन्स की। फेरोमोन्स होता है, कुछ एनिमल अपने फेरोमोन्स को एक्सक्रीट करते हैं दूसरे एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरह इंसेक्ट इनको एक्सक्रीट करते हैं दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कुछ मंकीज होते हैं जो अपने जिस टेरिटरी में वो रह रहे होते हैं उसके अराउंड वो फीसिस कर देते हैं, ठीक है, और यूरिन भी कर देते हैं। तो उनकी स्मेल वहाँ पर रहती है जो दूसरे मंकीज को बताती है कि वहाँ पे ना आए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक कम्युनिटी रह रही है। इसी तरह कई इंसेक्ट होते हैं जो केमिकल सिक्रीट करते हैं और उसकी स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं दूसरे इंसेक्ट फॉर मीटिंग और इंटरकोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया जी अगला क्वेश्चन, बायोटिक कम्युनिटी क्या है और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बायोटिक कम्युनिटी होती है बेटा ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग एट वन प्लेस एंड इंटरेक्टिंग विद वन अनदर इन सेवरल वेज। द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ बायोटिक कम्युनिटी वो तो हम करेंगे अभी। सबसे पहले ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस जो एक ही प्लेस पे रह रहे हैं, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं अलग अलग वे में। तो सबसे पहले है जी इसकी जो टाइप है, करेक्टर है स्पीशीज कंपोजिशन। लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज कॉन्स्टिट्यूट इन बायोटिक कम्युनिटी वेरी फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी। ठीक है, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में जो स्पीशीज है वो वेरी करती हैं। ठीक है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो बायोटिक कम्युनिटी में होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जैसे आप नोटिस कर लो कि हम ह्यूमन बीइंग्स भी यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे जो कॉलोनी है वहाँ पे आपको डॉग्स भी मिल जाएंगे, आपको कैट्स भी मिल जाएंगी। सो डिफरेंट स्पीशीज एक ही कम्युनिटी में रह रहे हैं। नंबर टू, ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन। अ कम्युनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेफिनेट ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर, है ना। ट्रॉफिक लेवल, पहले लेवल पे आते हैं प्रोड्यूसर जो होते हैं प्लांट्स, सेकेंड लेवल पे आते हैं कंज्यूमर और ये कंज्यूमर होते हैं हमारे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर जो कार्निवोर होते हैं जो उन कंज्यूमर को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, और फाइनली डिकम्पोजर्स जो प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स के डाई आउट होने के बाद उनको डिकम्पोज करते हैं। फिर उसके बाद आ गया भी हमारा ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन। अ कम्युनिटी इज कैरेक्टराइज बाय डेफिनेट ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हो गया। फिर है जी फिजियोग्नोमी। एवरी कम्युनिटी हैज स्पेसिफिक एक्सटर्नल अपीयरेंस, हर कम्युनिटी के अलग अलग अपीयरेंसेज होती हैं। स्ट्रेटिफिकेशन, ये जी प्लांट्स को ग्रुपिंग करना होता है इंटू वेल डिफाइंड लेयर जिनको हम स्ट्रेटा बोलते हैं। प्लांट्स आपको पता तीन तरह के मेन होते हैं, एक होते हैं हर्ब्स फिर श्रब्स और फिर उसके बाद आते हैं बेटा हमारे ट्रीज। हर्ब्स जो होते हैं छोटे होते हैं हमसे हाइट में, श्रब्स हमारी हाइट के होते हैं, ट्रीज हमारी हाइट से बड़े होते हैं। फिर जो आ गया जी फिफ्थ है डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है ना वो। फिर उसके बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी, एक्टोन इफेक्ट और इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं बायोटिक कम्युनिटी के। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिम्बायोसिस क्या है। हाउ प्रोटो कोऑपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस वो एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है बेटा दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें दोनों को फायदा। जैसे
एक गाय के ऊपर एक बर्ड बैठी हुई है। गाय की जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है बेटा, हम कह सकते हैं कि गाय की बॉडी के ऊपर लाइस हैं, जुएं हैं, उनको बर्ड बैठ के खा रही है। सो बर्ड का पेट भर रहा है, गाय की बॉडी साफ हो रही है, तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुई। सो क्या है, इट इज अ ऑब्लिगेटरी पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन विच इंटरेक्शन इन विच बोथ द पार्टनर्स प्रमोट ग्रोथ एंड सर्वाइवल फॉर ईच अदर। यानी हम कह सकते हैं दोनों बेनिफिटेड होते हैं। सो दीज कैन नॉट लिव सेपरेटली। अच्छा, प्रोटो कोऑपरेशन इज अ फ्लक्चुएटिव एसोसिएशन सो दैट पार्टनर्स कैन लिव सेपरेटली। सो फोटो कोऑपरेशन का मतलब सिम्बायोटिकली तो वो रह रहे हैं, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ रह रही है, फायदा हो रहा है, पर अगर उसको अकेले रहना पड़े तो वो अकेले भी रह रहेगी। सो हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन के बीच में फोटो कोऑपरेशन है। राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन सिम्बायोसिस। राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन तो मैंने आपको बहुत बारी बता दी है, जो हमारी जितनी भी ट्रीज होती हैं उनकी जो रूट्स हैं उनमें रहने के लिए आपकी फंगस को जगह मिल जाती है, तो या तो फंगस उन रूट्स के ऊपर ग्रो करती है तो एक्टोमाइकोराइजा, या रूट्स के अंदर ग्रो करती है एंडोमाइकोराइजा। दोनों में ट्रीज को नाइट्रोजन फिक्स करके देती है आपकी फंगस, एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ा देती है न्यूट्रिएंट की आपकी फंगस, और उसके एक्सचेंज में ट्री उन्हें रहने के लिए जगह दे देती है, तो होगी ना सिम्बायोसिस। फिर है बेटा स्क्वेंजिंग। क्या है स्क्वेंजिंग? स्क्वेंजिंग क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस? स्क्वेंजिंग होता है जी जब कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म किसी फ्लैश के ऊपर, एनिमल की फ्लैश के ऊपर फीड करता है जो मर चुका है नेचुरली, और मार दिया गया है, उसको हम स्क्वेंजिंग बोलते हैं। तो सिंपल, वो एनिमल जो मरी हुई फ्लैश के ऊपर, डेड फ्लैश के ऊपर सर्वाइव करते हैं, जीते हैं, उनको हम स्क्वेंजर्स बोलते हैं। और इन स्क्वेंजर्स का एग्जांपल है बेटा वल्चर्स। वल्चर्स ठीक है, स्क्वेंजर्स जो हाईली यूजफुल है क्योंकि ये हमारी अर्थ को क्लीन करने में भी मदद करती है। तो क्या होता है, कहीं पे ढेर सारी गायें मरी पड़ी हैं, उनके ऊपर चील आ गए, फिर उसके बाद बाज आ गया, ठीक है, वल्चर्स आके उनकी सारा स्किन और उनके मीट को खा जाएंगे, पीछे हड्डियां बच जाएंगी, तो यानी हमारी अर्थ को क्लीन करने में भी मदद करते हैं और वेस्टेज को भी प्रिवेंट करते हैं। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो अब अगला क्वेश्चन है जी, एमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म में डिफरेंस। एमेंसलिज्म क्या होता है? एमेंसलिज्म एक इंटरेक्शन है जिसमें दो लिविंग इंडिविजुअल अलग अलग स्पीशीज के इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीशीज इन विच एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट अलाउ अदर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो और लिव नियर। ठीक है, सो क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म के बीच की दो इंडिविजुअल्स के बीच की इंटरेक्शंस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म्स को उसको अपने पास ग्रो नहीं करने देता या लिव नहीं करने देता। ठीक है, तो यानी अगर कहीं पे दो स्पीशीज के बीच में मेंसलिज्म है तो वहाँ पे एक ही स्पीशीज सर्वाइव करेगी, दूसरी को कहीं और जाके सर्वाइव करना पड़ेगा। कमेंसलिज्म, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग इंडिविजुअल और डिफरेंट स्पीशीज विच वन इज बेनिफिटेड व्हाइल द अदर इज नाइदर हार्मफुल नॉर बेनिफिटेड एक्सेप्ट ऑफ एन एलिजिबल एक्सटेंट। सो कमेंसलिज्म को आप सिम्बायोसिस के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि सिम्बायोसिस में इंटरेक्शन होती है दो स्पीशीज के बीच में, और दोनों स्पीशीज के बीच में जब इंटरेक्शन होती है सो दोनों स्पीशीज को फायदा होता है, पर कमेंसलिज्म में ऐसा नहीं होता। एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को फायदा ना ही फायदा है ना ही नुकसान है। ठीक है ना, तो पढ़िए, दो लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच वन इज बेनिफिटेड वाइल द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। सो अमेंसलिज्म में एक ही स्पीशीज सर्वाइव करती है, दूसरी को कहीं और रहना पड़ता है। कमेंसलिज्म में दोनों स्पीशीज सर्वाइव करती हैं एक दूसरे के इंटरेक्शन में, बट एक स्पीशीज जो है उसको फायदा है, दूसरी को ना तो फायदा है ना नुकसान है। और आखिरी क्वेश्चन आज का है जी,
म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म आपको मैंने अभी बता दिया, इट इज एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच ओनली वन इज बेनिफिटेड. एक को ही बेनिफिट होगा, सेकेंड को ना तो बेनिफिट होगा ना ही उसको कोई नुकसान होगा. और जो कॉन्टेक्ट होता है इसमें कमेंसलिज्म के बीच में, दो स्पीशीज के बीच में, वो पीरियोडिक भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है. मतलब मींस किसी सीजन में इंटरेक्शन होगी, किसी में नहीं होगी, या पूरे सीजन में रह सकती है. म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म होता है, इट इज अ एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ आर बेनिफिटेड. दो ऑर्गेनिजम्स के बीच भी बीच की एसोसिएशन जिसमें दोनों को बेनिफिट मिलता है उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं. कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इज ऑब्लिगेटरी, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते ही करते हैं. तो बच्चों ये आज का लेक्चर था, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, कॉपीज में लिख लेना. स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड.